अरे पानी नल्ला भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौला मुसहरी में शनिवार की दोपहर में आग लग गई। इस अगलगी में दो दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों व अग्निशमन विभाग के कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस अग्निकांड में रीता देवी, तैरुन खातून, गीता पासवान, ऋषि पासवान, संजू देवी, नजरुन खातून सहित अन्य लोगों का घर जलकर राख हो गया। इस अग्निकांड में लगभग 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो जाने का अनुमान है। वही पीड़ितों ने बताया कि दोपहर के समय वे सभी अपने कामकाज में लगे थे। इसी बीच दोपहर में आग लगने की हल्ला हुई। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा अग्निशमन विभाग को जानकारी देने के साथ साथ आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया और घंटों बाद स्थानीय लोगों व अग्निशमन विभाग के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। तब तक घर व घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। इस घटना में नकदी, कपड़ा, बर्तन, अनाज आदि जलकर राख हो गए। घटना की सूचना मिलने पर भगवानपुर थाना के SI अमरदान तिग्गा, वीरपुर CO वीरेंद्र, BDO अरुण कुमार निराला, मुखिया ऋचा देवी, सदर SDO आदि पहुंचकर आगजनी से हुई क्षति का जायजा लिया। इधर SDO ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। परिवार का आकलन CO एवं कर्मचारी कर रहे हैं। परिवार के आकलन के बाद उन्हें सरकारी नियमानुसार सहायता के रूप में सहायता चेक दिया जाएगा। भगवानपुर से निजी संवाददाता की रिपोर्ट। घटना का तो कारण तो हमें नहीं पता, और जो भी हुआ काफी दुखद है। परिवारों की संख्या का आकलन CO साहब कर रहे हैं और कर्मचारी भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन काफी हताहत है, इस तरह की घटना से पूर्व में भी होते रहा है। लोगों से हमारा यही अपील है कि गर्मी आ रहा है और खास करके पतझड़ का जो मौसम है, इसमें कहीं भी आग जलाएं, खास करके जहां बहुत सारे सूखे फसल के जो वो है पुलाव वगैरह या फसल के जो अवशेष है वो पड़े रहते हैं, उसकी वजह से आग तुरंत फैल जाता है। तो जितने आम ग्रामीण आसपास या जिला के अंतर्गत जो भी ग्रामीण है, फसल के जो अवशेष है उसको दूर रखें बसावट के एरिया से। जरा सा आग लगती है खाना वाले से तो पूरा फैल जाता है। तत्काल जो मेरी तरफ से है कि आज से ही सामुदायिक किचन स्टार्ट कर दिया जाएगा और कल इनको जो भी परिवार चिन्हित होंगे, कल इनको जो सरकार के प्रावधान है वो चेक निर्गत कर दिया जाएगा। कल ही हम लोग चेक दिलवा देंगे और बाकी जो प्लास्टिक है और कंबल वगैरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनको कुछ आज ही दिलवा दे। तत्काल भोजन की व्यवस्था? हाँ, आज ही से स्टार्ट हो जाएगा भोजन का। कितने लोगों का घर दिला? अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं। लगभग हम बताते हैं, देखो आप छोड़ दीजिए, आप अपना सूची रखे रहिए। ये सब फालतू दूसरी की बातों में मैं खुद खड़ा होके एक एक घर गिन रहा हूँ, ठीक है? वो सूची लिखा दिया हूँ, उसमें 2-4 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है? 1500 कितना है? 14 है। 2-4 आगे पीछे हो सकता है, मैक्सिमम इतना ही है। ऐसा नहीं है, इतना का अंतर नहीं है। एक बार चलिए ठीक है, हम देख